सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अमिताभ बच्चन ने चिंता जाहिर की है। दरअसल इंटरनेट पर रश्मिका मंदाना का वायरल वीडियो फर्जी है, ये एक डीप फेक वीडियो है। अब सवाल उठता है कि आखिर डीप फेक क्या है। हाल ही में सरकार ने भी डीप फेक फोटो वीडियो से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। चलिए जानते हैं आखिर डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से बनने वाले नकली कंटेंट से कैसे बचा जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में आने वाली यह आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ने लोगों को काफी प्रभावित किया है। डीप फेक वह टेक्नोलॉजी है जिससे रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर फेक वीडियो बनाया जाता है जो रियल लगता है। इसके सबसे ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट शिकार होते हैं। इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। इसे डीप लर्निंग भी कहा जाता है। इसके तहत किसी की फोटो या वीडियो को फेक में बदल दिया जाता है। रश्मिका के डीप फेस वीडियो पर अमिताभ बच्चन ने चिंता जाहिर की। दरअसल अभिषेक नाम के एक एक्स यूजर ने रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि डीप फेक को रोकने के लिए लेकर भारत में तत्काल कानून दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कैसे जारा पटेल के डीप फेक वीडियो को एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का बताकर वायरल किया जा रहा है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, यह एक मजबूत कानूनी केस है। अमिताभ बच्चन के पोस्ट के बाद मामले में सरकार को सफाई देना पड़ी है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिक की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि डीप फेक लेटेस्ट और सबसे खतरनाक है, इसे डील करने की जरूरत है। मंत्री ने फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। डीप फेक इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मशहूर अभिनेत्री की एक फेक वीडियो बनाई गई, जिस कारण यह चर्चा में आया है। इस वायरल वीडियो में मंदाना का चेहरा ब्रिटिश भारतीय महिला जारा पटेल के साथ बदल दिया गया था, जिसे लोग रियल मानने लगे थे। डीप फेक के ओबामा और जुकरबर्ग भी शिकार हो चुके हैं। अधिकांश डीप फेक वीडियो अश्लील प्रकृति के होते हैं, साथ ही इसका उपयोग लोगों को झूठा बताने और राजनेताओं की डिजिटल रूप से परिवर्तित क्लिप भी वायरल की जाती है। कुछ साल पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को व्यापक रूप से प्रसारित एक डीप फेक वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से मूर्ख कहते हुए देखा गया था। इसी तरह मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग को ऐसे ही एक अन्य वीडियो में अरबों लोगों के चुराए गए डेटा पर पूर्ण नियंत्रण होने का दावा करते देखा गया था। भारत में इसके लिए कोई कानून या नीति नहीं है। ऐसे सारे मामले आईटी एक्ट के तहत ही सुने जाते हैं। साइबर मामलों के जानकार कहते हैं कि भारत में इसे लेकर अलग से कानून नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे वीडियो या जानकारी फैलाने वाले को आईटी एक्ट के तहत 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। कैसे बनता है डीप फेक वीडियो, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले ऐसी फोटो या वीडियो की पहचान की जाती है जिसमें नकली चेहरा और आवाज फिट की जा सके। तमाम चेहरे जुटाने को इनकोडर एल्गोरिदम और चेहरा बदलने को फेस स्वैप कहते हैं। जब अमेरिकी रिसर्चर्स ने बताया कि फेक वीडियो पलकें नहीं हिलाते हैं, तो इसके कुछ महीने बाद ही फेक वीडियो में पलकें भी हिलने लगी। इससे ये और भी खतरनाक हो गया। अभी तक ऐसा कोई सर्टिफाइड टूल नहीं आया है जो डीप फेक वीडियो की पहचान कर सके, लेकिन गूगल, अमेजन और मेटा सहित कई कंपनियां हैं जो इस पर लगातार कर काम कर रही हैं। फिर भी कुछ चीजों पर फोकस किया जाए, जैसे माथे और आंखों के आसपास की जगह, तो वीडियो की असलियत सामने आ सकती है। इससे बचने का कोई ठोस तरीका नहीं है। अगर आप या कोई आपका दोस्त इसका शिकार होता ही तो घबराएं नहीं और तुरंत अपने नजदीकी साइबर सेल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।